नमस्ते दोस्तों, मैं हनी लालवानी हनी की रसोई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक मैजिक केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक इंटरनेशनल लेवल का केक है और मैं पहली इंडियन यूट्यूबर हूँ जो आपसे हिंदी में ये रेसिपी शेयर करने वाली है। फ्रेंड्स, इसे मैजिक केक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस केक में आपको तीन लेयर्स दिख रही होंगी अलग अलग। सबसे नीचे वाली लेयर को फज कहा जाता है, बीच वाली लेयर जो आपको दिख रही है इसे क्रीमी कस्टर्ड कहा जाता है, और सबसे टॉप में हमारे स्पॉन्ज केक है। और ये तीनों लेयर एक ही सिंगल बैटर से बनती है, मतलब हम एक पानी जैसा बिल्कुल एक बैटर बनाएंगे उससे ये तीनों लेयर अपने आप क्रिएट होती हैं, इसलिए इसे मैजिक केक कहा जाता है। इस मैजिक केक को बनाने के लिए ये सारे हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है और बहुत ही लाजवाब होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर तीन अंडे लिए हैं। ये अंडे एकदम चिल्ड है, हमने फ्रिज में रखे थे। चुटकी भर हमने नमक लिया है, एक टेबल स्पून हमने यहाँ पानी लिया है, और 90 ग्राम मैंने बटर लिया है। बटर को हमने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। 90 ग्राम कैस्टर शुगर हमने ली है, और 90 ग्राम मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। आप चाहें तो कैस्टर शुगर की जगह पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। और 375 ml यानी 375 ml यहाँ पर मैंने दूध लिया है। दूध रूम टेम्परेचर पे है, और मैंने यहाँ वनीला एक्सट्रैक्ट लिया है। आप चाहें तो वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एग वाइट्स और एग योक को सेपरेट कर लिया है। अब जो हमारी ये एग योक्स हैं, इन एग योक्स में हम एक टेबल स्पून पानी मिला रहे हैं, और हमारी जो कैस्टर शुगर हमने रखी है वो कैस्टर शुगर हम डाल देंगे। अब बस पानी और शुगर डालने के बाद हमें इसको अच्छे से बीट करना है। मैं हैंड विस्क का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हमें तब तक विस्क करना है या बीट करना है जब तक कि शुगर इसमें अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और उसका कलर लाइट और क्रीमी ना हो जाए। इसमें करीब 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए, हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसमें हम लोग जो मेल्टेड बटर है वो मेल्टेड बटर डाल देंगे, और उसको वापस से अच्छे से विस्क करेंगे करीब आधे से 1 मिनट के लिए, जब तक कि बटर इसमें अच्छे से कंबाइन ना हो जाए और हमारा मिक्सचर लाइट और पेल कलर पे ना आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बटर इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने जो सॉल्ट है, चुटकी भर नमक हम इसमें डाल देंगे, और मैं वनीला एक्सट्रैक्ट डाल रही हूँ। आप चाहें तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो बस वनीला एक्सट्रैक्ट डालने के बाद हमें इसे वापस एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारे तैयार बैटर में हम लोग मैदा मिला देंगे, और मैदा को हम यहाँ पर छान कर डालेंगे। और बस मैदा हमने इसमें डाल दिया है। अब मैदे को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसी तरह के वायर विस्क से मिक्स कर लें, या चाहे तो स्पैचुला की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, आपको मैदे को ओवर मिक्स नहीं करना है, जैसे आपको इसमें अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर लेना है। और देखिए, इस तरह का हमारा ये बैटर रेडी हुआ है। अब हमने जो मिल्क रखा हुआ है, जो दूध रखा है, वो दूध हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। सारा दूध एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाएं और इसमें अच्छे से मिक्स करते जाएं। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते हुए आपको पूरा दूध इसमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, पूरा दूध हमने इसमें मिक्स कर दिया है, और जो हमारा बैटर लास्ट में बनेगा वो इस तरह का होगा, एकदम लिक्विड बैटर रहेगा, बिल्कुल पतला बैटर हमारा बनेगा। तो बस इसे हम एक साइड रख देते हैं, और एक सेपरेट बाउल में जो एग वाइट्स हमने रखे हुए थे, उन एग वाइट्स को हम लोग बीट कर लेंगे। आप इस तरह के हैंड जो इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हैंड विस्क जो है उससे भी आप इसको कर सकते हैं। तो उसको एकदम स्टिफ पिक आने तक हमें इसको अच्छे से बीट कर लेना है। अगर इलेक्ट्रिक बीटर से करते हैं तो करीब 3 से 4 मिनट में ये हो जाता है, और हैंड विस्क के करेंगे तो करीब 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे। इस तरह से इसको स्टिफ पिक आने तक हमें अपना एग वाइट्स को बीट कर लेना है। स्टिफ पिक का मतलब कि अगर आप इसको बाउल को उल्टा करें, या आप इसको जो आपको मिक्सचर दिख रहा है इस तरह स्पैचुला से गिराएं, तो ये गिरेगा नहीं। तो बस हमारे एग वाइट तैयार है।
अब जो हमारा जो हमने बैटर किया पहले वो लिक्विड वाला बैटर रेडी किया था उसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि साइड्स में कहीं ये लगा हो तो निकल जाए। और हमने जो ये एग वाइट्स का मिक्सचर तैयार किया है इसको मैरिंग कहा जाता है, ये मैरिंग हम इसमें मिक्स कर लेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है मिक्सिंग के टाइम आप इसको बिल्कुल हल्के हल्के से मिक्स करें, अगर आप टेन फोल्ड मेथड से चाहें तो उस तरह से मिक्स कर लें या इस तरीके से बस हल्के हल्के हम जो ये फोम आपको दिख रही है उसको आपके मिक्स अपने जो मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ध्यान रहे आप इसको ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं अप्लाई कीजिएगा वरना जिसमें जो एयर हमने क्रिएट की है वो एयर अगर निकल गई तो हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। तो बस बिल्कुल हल्के हाथों से आपको अपने बैटर में इस फोम को मिक्स कर लेना है। इसी तरह से हमने अभी पूरा जो अपना मैरिंग यानी एग वाइट का मिक्सचर तैयार किया था वो पूरा इसमें डाल दिया है और इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमने जो एग वाइट्स का मिक्सचर था वो बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने एक केक टिन लिया है 7 इंच का जिसे मैंने बटर पेपर से लाइन किया है और थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर तक रखा है ताकि केक को राइज होने के लिए जगह मिले। अब ये जो बैटर है आप बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए एकदम पतला बैटर है, ये बैटर हम अपने केक टिन में अच्छे से पोर कर लेंगे। आपका बैटर का यही कंसिस्टेंसी आना चाहिए। अब इस तैयार केक टिन को हम लोग ओवन में रखने वाले हैं, मैं 150 डिग्री पर इसको बेक करूंगी करीब 60 से 70 मिनट के लिए। स्टार्टिंग में 60 मिनट्स लगा रही हूँ, 60 मिनट्स बाद हम चेक करेंगे इसका टॉप अगर ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हमारा केक बेक हो चुका है, ये 60 मिनट इसको लगे थे, इवन 55 मिनट ही इसको लगे थे बेक होने में और देख सकते हैं टॉप एकदम अच्छे से ब्राउन हो चुका है, टूथपिक भी क्लीन आ गई है। लेकिन अभी हमें इसे डीमोल्ट नहीं करना है, इसे आप रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडा होने दें, एकदम ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको डीमोल्ट करेंगे और फ्रिज में एकदम चिल्ड करके हम इसको कट करेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका था, उसके बाद मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स आपको एकदम क्लियरली विजिबल होंगी, तीनों लेयर्स एकदम दिख रही हैं अच्छे से। और थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने के लिए मैं ऊपर से इसके आइसिंग शुगर डस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं या आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी लगा सकते हैं, बट इस केक में व्हिपिंग क्रीम की कहीं ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में बहुत डिलीशियस होता है। तो बस हम थोड़ी सी आइसिंग शुगर डस्ट कर रहे हैं इसको थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए और ऊपर से मैं एक यहाँ पर छोटी सी चेरी डाल रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है बट चेरी ऑन द केक तो बनता है, तो बस एक चेरी हम रख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसको कट कर लेते हैं केक को, देखिए तो जरा ये कैसा बना है अंदर से, और आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से कट हो रहा है, एकदम मॉइस्ट है, सॉफ्ट है, मिड में एकदम सॉफ्ट सा इसका कस्टर्ड बना है, टॉप पे जो स्पॉन्ज है वो भी बहुत माउथ मेल्टिंग होता है, बहुत ही डिलीशियस ये बनता है। और सबसे बड़ी बात है इस केक को बनाने में बहुत मज़ा आता है, जब आप लास्ट में जब केक कट करते हैं और ये तीन लेयर्स देखते हैं इट्स रियली अ मैजिक कि एक सिंगल से बैटर से ये केक बनता है। आज से पहले मैं 2 बार इस केक को बना चुकी हूँ, एक बार एक कॉन्टेस्ट के लिए बनाया था वहाँ मैं विनर भी रही थी इसकी वजह से, और सेकेंड टाइम अपनी फैमिली के लिए बनाया था, थर्ड टाइम मैंने आज आप लोगों के लिए बनाया है। तो अगर आप अंडे वाला केक खाते हैं तो फ्रेंड्स इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ज़रूर से बनाइएगा। मैं शर्त लगाती हूँ कि इस केक के टेस्ट के आगे आप बाकी सब केक के टेस्ट को भूल जाएंगे, ये इतना ज़्यादा लाजवाब होता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और दीजिए, मैं आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ कैसा बना है ये, वैसे तो मुझे पता है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी। और तो कब बना रहे हैं आप, तो जल्दी से बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अपना फीडबैक ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, बट रीज़न बताइएगा कि आपको कहाँ कमी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलती हूँ एक और नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।